हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर चंदो। तो गाइज कल यहाँ पे दो मैचेस खेले जाएंगे, हमारा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों के दोनों। इंडिया वाली यार मैं सोच रहा था अभी दूंगा, बट उसकी वीडियो मॉर्निंग में आपको मिलेगी। अभी फिलहाल यहाँ पे जो मैच खेला जाने वाला है बांग्लादेश और इंग्लैंड का, बांग्लादेश और पाकिस्तान का कल दिन में खेला जाएगा 1:30 बजे, इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज अगर आप लोग ग्रैंड लीग टारगेट कर रहे हो तभी हमारे वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको इस हद तक हेल्प मिल जाएगी कि आपको ग्रैंड लीग की टीम्स किस तरह की उतारनी है, आपके माइंड सेट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ड्रीम इलेवन का ग्रैंड लीग का कंटेंट मिलता है। तो गाइस अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्पेशली वो भाई लोग जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ड्रीम इलेवन का ग्रैंड लीग का कंटेंट मिलता है, जिससे आपका दिमाग खुलता है ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए, आपको आइडियाज मिलते हैं नए नए। तो यहां पर बात करेंगे हम पिच एंड वेदर रिपोर्ट के बारे में, ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से बेस्ट होंगे, क्या यहाँ पे गेम प्लान रहेगा हमारा। अगर आप वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखोगे आपको गेम प्लान खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरह आपको गेम प्ले करना है ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है। ग्रैंड लीग के लिए कौन कौन से हमारे मोस्ट पिक बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे हेड टू हेड दोनों रिकॉर्ड क्या रहा है और ग्राउंड का रिकॉर्ड क्या रहा है, इसके बारे में टोटल डीपली एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि आप काफी हेल्प मिलती है आपको हमारी वीडियो से। बाकी फ्रेंड आप लोग अभी भी अपना हेड टू हेड 3 मेंबर का इन्वेस्टमेंट अगर अदर ऐप पर कर रहे हो बंद कर दो, बैट बॉल 11 विजन 11 सबसे बेस्ट ऐप है, दोनों का लिंक आपको डिस्कशन मिलेगा, साथ में रेफरल कोड चंद 123 जरूर यूज करना, क्योंकि यहाँ पे अदर ऐप के मुकाबले बहुत फायदे हैं, एक बार खेल के देखो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एंट्री फीस आपको बहुत कम देखने के लिए मिलती है अदर ऐप के मुकाबले। चलिए बात करते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान का पहला T20 खेला जाएगा ढाका में, यह मैच खेला जाने वाला, ठीक है, ढाका में मैच खेला जाना। स्पिन प्लस पेसर्स दोनों को अच्छी खासी हेल्प मिलती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वेदर की बात करें, वेदर बिल्कुल क्लियर है, पिच जो है मैंने आपको बता दिया है। एवरेज स्कोर की बात करें यहां पे, ये ओडीआई का स्कोर है, ठीक है, 229 का एक एवरेज स्कोर है ओडीआई का, और टोटल यहां पे ओडीआई 112 मैच खेले गए, बैट वन में 53 और बैट टू में 59, ज्यादा का फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहां पे T20 की बात करें, T20 में 146 का एक एवरेज स्कोर है, यानी 146 या 140-50 मान लो, ठीक है। उसके बाद टोटल मैच यहां पे 54 खेले गए, बैट वन में 28 और बैट सेकंड में जो है यहां पे 26 मैच जीते गए, ठीक है। ये तो थी बात टोटल ओवरऑल इस ग्राउंड की। अब बात करते हैं दोनों टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड, हेड टू हेड में क्या रहा है, ठीक है। बांग्लादेश ने अब तक केवल 2 मैच जीते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने 10 मैच वोन करे, 6 बैट फर्स्ट में और 4 बैट सेकंड में, और उन्होंने जो 2 मैच जीते वो बैट सेकंड में जीते, ठीक है। वो भी जब साकिब अल हसन, लिटन दास, सौम्य सरकार वगैरह ये हुआ करते थे तब जाके उन्होंने जीते, और आज के मैच में चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ना तो लिटन दास, सौम्य सरकार वगैरह ये आपको नहीं, सॉरी लिटन दास वगैरह आपको अपनी इस टीम में साकिब वगैरह नहीं दिखने वाले, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे प्ले, न्यूज यही है कि साकिब अल हसन नहीं खेलने वाले, इमाद वसीम पाकिस्तान की तरफ से और आसिफ अली इनकी जगह हैदर अली आए, तो ये नहीं खेलेंगे। बाकी आप बात करते हैं दोनों टीम्स की यहाँ पे प्लेइंग इलेवन क्या रहती है, और कौन से हमारे ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन बेस्ट रहेंगे उसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखना, कौन से प्लेयर्स पिक रहेंगे मोस्ट रहेंगे उनको सुनना, ठीक है। ड्रीम इलेवन की जो सिलेक्शन परसेंटेज है उसके हिसाब से मैंने अभी रखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। एस हसन है, बहुत कम लोग इनको ट्राई करने वाले हैं, और केवल 10% लोगों ने लिया हुआ, ठीक है, केवल 10%, ठीक ठाक बैट्समैन है, को ग्रैंड लीग का प्लेयर बन के जा सकता है, ठीक है। और ये तो ओपनिंग करेगा या फिर वन डाउन आए, क्योंकि यहां पे सेंटो और या फिर हसन दोनों में से एक ओपनिंग आएगा नईम के साथ, तो आपको नईम के साथ नईम 61% लोगों की इनकी चॉइस है, ठीक है, 61% लोगों ने रखा हुआ है। अगर यहां पर आप ज्यादा टीम्स के साथ जा रहे हो तो भाई कुछ टीम में ड्रॉप करके चलना, हालांकि नईम प्लेयर अच्छा है, आपको ग्रैंड लीग का प्लेयर बन के जा सकता है। तो अगर आप 10 टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, 10 टीम में से 5 टीम में रखना है, और 5 टीम में आपको उसको नईम को नहीं रखना है, क्योंकि भाई ये ऐसे प्लेयर जीरो पे भी जाते हैं। सेंटो को केवल 12% लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है, नईम के साथ आपको किसी में सेंटो को रखना है और किसी में यहाँ पे हसन को रखना है, और सेंटो भी प्लेयर भाई ठीक ठाक है, और हालांकि यहाँ पे भी जो जिस हिसाब से प्लेइंग अभी निकल के आ रही है उसमें बांग्लादेश काफी कमजोर टीम है, और हो सकता है कल के मैच में बांग्लादेश आपको ऑल आउट होती नजर आए, ठीक है। ऑल आउट भी पाकिस्तान ने इतने मैचेस में 2 या 3 बार उनको कर रखा है, ठीक है। उसके बाद चौधरी साहब है, 45% लोगों ने चॉइस रखी है, बट मैं इतने ज्यादा प्रेफरेंस को नहीं दूंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेयर आते हैं अपने यहाँ पे, महमदुल्ला, ठीक है, महमदुल्ला प्लेयर आता है, क्योंकि भाई ये बीच में जब खेलने आएगा ना उस टाइम पे क्या होता है थोड़ा रन्स बनने के चांसेस हाई होते हैं, तो यहाँ पे महमदुल्ला आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करता हुआ देख सकता है, तो हर टीम में आपको मोस्टली रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आफिफ हुसैन आपने देखा होगा,
बहुत कम लोग इनको लेते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग। अभी भी इसमें देख रहे हो केवल 12% लोगों ने टच किया हुआ इनको, ठीक है, 12%। अब ये समझ सकते हो कि भाई ये बंदा एक पार्ट टाइम बॉलर भी है, तो आपको इसको तो मोस्टली अपनी टीम में ट्राई करके रखना ही है, ठीक है। उसके बाद मेहंदी हसन, 80% लोगों ने इनको रखा हुआ है, मेहंदी हसन को। तो भाई इनका ध्यान रखना, अगर इनकी टीम पहले बॉल करेगी, मेहंदी हसन के साथ आपको तभी जाना है, सेकेंड इनिंग में आपको मेहंदी हसन पे नहीं जाना है, ठीक है। एन हसन है विकेट कीपर में, इनको तो छूना भी नहीं है। उसके बाद एन अहमद, 40% लोगों ने इनको ट्राई कर रखा है, सॉरी एन अहमद को 40% लोगों ने ट्राई किया, ट्राई करना काफी जबरदस्त प्लेयर है, यहां से ट्राई करने लायक बहुत कम प्लेयर है बैट बॉलिंग में, ठीक है। एन अहमद हो गए, सैफुल सॉरी एम रहमान है 59% लोगों ने लिया हुआ है, एस इस्लाम 7% और तकसीन अहमद जो है 33%। तो गाइस यहां से आपको करना क्या है, मैक्सिमम आपको दो बॉलर ट्राई करना है, ठीक है, मोस्टली टीम्स में दो बॉलर ट्राई करना है, किसी में एन अहमद के साथ रहमान क्यों जाना है, इस्लाम के साथ सॉरी इस्लाम या अहमद दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, तो इनको आपको ट्राई कर लेना है, एन हजर को तो आपको छोड़ना नहीं है। ऐसे केवल तीन बॉलर आपके पास ऐसे बनते हैं जिनको आपको मोस्टली ट्राई करना है, तो इनको रिटेन करते रहना है, क्योंकि प्रेडिक्शन इनके बारे में कुछ नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे प्लेयर है। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेल लो तो भाई आपको इस चीज को सोचना पड़ेगा, चारों तरफ सोच के चलोगे, प्लेयर्स फंसाओगे अपनी टीम में, तो ही आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बन पाएगा, ठीक है। तो ये तो रही बात इनकी। अब बात करते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान भैया फुल फॉर्म में, आपने देखा भी होगा यार, जो T20 में अभी जो गया हमारा ये वर्ल्ड कप T20, उसमें भी आपने देखा कि आज जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है, तो इनकी तरफ से फोकस करना है आपको, ज्यादा प्लेयर, 7 प्लेयर का कॉम्बिनेशन आपको पाकिस्तान की तरफ से रखना, और 4 प्लेयर का आपको एकमात्र यहां से बांग्लादेश की तरफ से रखना, क्योंकि बांग्लादेश की टीम में थोड़ा कमजोरी है, क्योंकि भाई यहां पे साकिब अल हसन के मेन प्लेयर जो है वो नहीं खेल रहे, लिटन दास थोड़ा एक डर तो था लिटन दास का, बट वो भी इस बार नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की, मोहम्मद रिजवान भाई आंख बंद करके रख लेना है, क्योंकि भाई पाकिस्तान की टीम में जो मैच होगा ना, यहां पर अगर सपोज दैट पाकिस्तान पहले बॉल कर दिए, तो इनके बॉलर तो सारे आपको अपनी टीम में रखने पड़ेंगे, सारे के सारे बॉलर इनके आपको मोस्टली ट्राई करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये ऑल आउट करने की पूरी दावेदारी रखते हैं बांग्लादेश को, जिस टीम में पाकिस्तान के बॉलर, यानी अगर ये लोग पहले बॉल करने लगे पाकिस्तान वाले, तो भाई उसमें आपको ज्यादा बैट्समैन ट्राई नहीं करना है, पाकिस्तान के 2 ही बैट्समैन काफी है, और कई बार ऐसा हुआ भी है कि एक ही विकेट पे इन्होंने मैच ऑन कर रखा है, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से गेम प्लान आपको लेके चलना है, अगर यहाँ पर पाकिस्तान पहले बॉल करता है या फिर बाद में बॉल करता है वो आपको पता चल जाएगा, आगे देखते रहना, क्योंकि वीडियो अगर देखोगे तो ही आपको पता चल जाएगा। और गाइस अभी भी कहूंगा आपसे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि भाई आपको फायदा मिलेगा हमारे चैनल से, आपको प्रेडिक्शन काफी करेक्ट जाती है, 90% हमारी प्रेडिक्शन, बाकी 10% आपकी प्रेडिक्शन, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, बाकी अगर बैट बॉल डिजाइन नहीं जुड़े अब तक जुड़ जाओ, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, अगर बेकार लगे तो भाई उसके बाद अनइंस्टॉल कर देना, रेफर कोड चंद13 जरूर यूज करना। चलिए बात करते हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, इन दोनों की तो आपको जोड़ी बना देनी है, ठीक है, मोस्टली टीम्स में आपको इन दोनों की जोड़ी बना के रखनी है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया 5-5 टीम है ना यहाँ पे, इन 5 टीम में से इनमें तो रखना ही रखना दोनों की जोड़ी बना के, बट इनमें से भी 3 टीम ऐसी रखना जिनमें जोड़ी बना के रखना, ठीक है। फकर जमन ड्रॉप कर सकते हो, इनको चाहो तो ड्रॉप कर लेना, क्योंकि 61% है भाई इनका, कंफर्म नहीं होता, स्पेशली यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ हो सकता है यहाँ पर जल्दी निकल जाए, ठीक है। 23% यहाँ पे स्वयं मलिक को लिया हुआ है, स्वयं मलिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, स्वयं मलिक को जरूर ट्राई करना। हैदर अली 3%, खुशदिल शाह 2%, इनको तो मैं ज्यादा प्रेफर भी नहीं करूंगा। सादाफ खान यहाँ पे देख लो 64%, इस बंदे की इतनी चॉइस होती नहीं है, ठीक है, बट ये 4 विकेट उखाड़ गया ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसीलिए इनकी परसेंटेज इतनी हाई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, सादाफ खान भी ऐसी बात नहीं है, तो इनको ट्राई जरूर करना। ये आपके लिए चारों पांचों जो प्लेयर है ना, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, पांचों के पांचों ये बॉलर, क्योंकि ये भाई यहां से इनको ऑल आउट करने में टाइम नहीं लगे, जहां तक मुझे लगता है कल बांग्लादेश यहाँ पर आपको ऑल आउट होती हुई नजर आ सकती है, इसीलिए यहाँ पे मेहंदी हसन, आफिफ हुसैन मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके हो सकते हैं, क्योंकि बैटिंग भी आ सकती है बॉलिंग भी आ सकती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले, ठीक है। मोहम्मद नवाज बहुत कम ट्राई है, शाहीन अफरीदी को दुनिया करने वाली है 79% लोगों ने लिया हुआ है, और यहाँ पर हैरिस रॉक को 62% लोगों ने लिया हुआ है, इनको भी ट्राई करिए, बट मोहम्मद नवाज को केवल 5% लोगों ने लिया हुआ, अगर खेलेंगे जहां तक मुझे लगता है खेलना चाहिए, खेलेंगे तो आपको इनको मोस्टली अपनी टीम में ट्राई करके रखना है, ठीक है। हसन अली है 46%, सादाफ खान 64%, तो मोस्टली प्लेयर्स आपको जो है यहीं से पाकिस्तान की तरफ से दिखने वाले हैं, तो ये परफॉर्म भी करने वाले हैं मेरे हिसाब से, मुझे लगता है परफॉर्म करेंगे, ड्रॉप मतलब जो कहते हैं कि आप बड़े प्लेयर को ड्रॉप करो, ये बड़े प्लेयर ड्रॉप करने लायक नहीं है कल के मैच में, ठीक है, बाकी आप करना चाहते हो कर सकते हैं।
किसी को भी ड्रॉप कर सकते हो। एक केवल फकर जमन के बारे में आपको बोला है, इनको आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे टोटल हमारे गाइस दोनों टीम्स का एनालिस्ट, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अब बात करेंगे कौन कौन से हमारे जो मोस्ट पिक निकल गया है उसके बारे में बात करते हैं, और कौन से हमारे ग्रैंडली के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन बेस्ट रहेंगे, और क्या हमारी कैप्टन वाइस स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां से देखा जाए तो एस हसन जैसे मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके बाद यहां से महमदुल्ला आपके मोस्ट पिक है, ठीक है। दूसरा आपका आफिफ हुसैन मोस्ट पिक है, दो प्लेयर, ठीक है। उसके बाद यहां से मेहंदी हसन फर्स्ट अगर बॉल करते हैं तो मेहंदी हसन आपके लिए इंपॉर्टेंट निकलेगा, बाकी अभी इसको आप इंपॉर्टेंट की लिस्ट से बाहर रखो, ठीक है। यहां से आपका सैफुल इस्लाम है, तकसीन अहमद के चांसेस हाई है खेलने के, अगर तकसीन अहमद खेलते हैं तो तकसीन अहमद को मोस्टली टीम्स में ट्राई करना, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से बात करें रिजवान हो गए, बाबर आजम हो गए, ये तो दोनों आपके बिल्कुल मोस्ट पिक निकले। तीसरा आपका सोएब मलिक, ये आपका मोस्ट पिक निकला। और उसके बाद यहां से सादाब खान हो गए, हैरिस रॉफ हो गए, सादाब खान हो गए, और यहां पे साइन अफरीदी हो गए। ये दो आपके लिए मोस्ट पिक अपनी मोस्टली टीम्स में आपको रखने चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। सॉरी, अगर यहां पर बांग्लादेश पहले बैट करती है, ठीक है, बांग्लादेश से केवल एकमात्र प्लेयर है जिसको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की आपको बोलूंगा, इसके अलावा किसी और को बोलूंगा नहीं, क्योंकि महमदुल्ला एक ऐसे प्लेयर है जो आपको बैट प्लस एज ए पार्ट टाइम बॉलिंग करके आपको पॉइंट दे, बॉलिंग पे तो विश्वास मत करना, बट ये है कि बैट से आपको पॉइंट निकाल के दे सकता है, ठीक है। तो यही आपका एकमात्र प्लेयर है, बाकी आप आफिफ हुसैन को थोड़ा सा डिफरेंशियल जाना चाहते हो कुछ टीम्स में, जैसे आप 10 टीम बना रहे हो तो 10 में से दो टीम में आप या एक या दो टीम में यहाँ पे आफिफ हुसैन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहां से बॉलरों पे किसी पे विश्वास नहीं है भाई, क्योंकि पाकिस्तान की इन दोनों को आउट करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब यहां पे अगर जैसे मैंने बताया कि बांग्लादेश पहले बैट करेगी तो यहां से पाकिस्तान की तरफ से आपको ज्यादातर बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर दे रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। सादाब खान हो गए, इन पांचों को, ठीक है, हसन अली हो गए, सादाब खान हो गए, नवाज को एक बार को ड्रॉप कर सकते हो, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए वैसे ड्रॉप मत करना, ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन लिस्ट में से ड्रॉप कर सकते हो, बट ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपके दोनों मतलब चार प्लेयर ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ग्रैंड लीग की जो ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की दावेदारी देते हैं भाई। अगर 10 टीम बनाओगे तो 10 टीम में से यार इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप कंफ्यूज होगे भाई किसको बनाने किसको नहीं बनाना, ठीक है। तो अगर इनकी टीम पहले यानी बैट बांग्लादेश पहले बैट करती है तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की स्ट्रेटेजी आपको बॉलर्स में से ट्राई करनी है, कोई भी यहां पे 3 से 4 विकेट ले जाने में टाइम नहीं लगाएगा क्योंकि सारे के सारे प्लेयर जबरदस्त हैं, ठीक है, तो इनको ज्यादा आपको ट्राई करके चलना है। उसके बाद अगर यहां पे पाकिस्तान की टीम पहले बैट करती है, अगर पाकिस्तान पहले बैट करेगा तो आप यहां पे रिजवान या फिर बाबर आजम दोनों में से किसी एक को ट्राई जरूर कर सकते हो, बट आपको बैटिंग के लिए सोएब मलिक तक आपको रखने की जरूरत है, बाकी हैदर अली खुशदिल शाह इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई ये चारों ही ऊपर काफी है इनकी टीम को वो करने, मतलब इनकी टीम को झेलने के लिए ज्यादा इनको विकेट नहीं मिल पाएंगे पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। तो ये था टोटल गाइज हमारा एनालिस्ट, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, सब कुछ यहाँ पे आपके सामने खोल के रख दिया है, बाकी आप क्या क्या आपने कैच किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस आप वीडियो पूरा नहीं देखा हो तो भाई दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा कि काफी हेल्प मिलती है हमारी वीडियो से आपको एक ग्रैंड लीग की टीम बनाने में, ठीक है। तो गाइस अगर अभी तक फिर से कहूंगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक भी आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि फाइनल टॉस के बाद आपको जो है जो प्रेडिक्शन होती है हमारी वो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड होती है, तो अगर आप जुड़े रहोगे टेलीग्राम से तो आपको पता चलेगा, अगर नहीं रहोगे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो बैट बॉल 11 विजल 11 फिर कहूंगा भाई, कोई नहीं कहता इतना केवल मैं कह रहा हूं, क्योंकि भाई काफी अच्छी ऐप है, एक बार ऐप को यूज करके देखो, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा टोटल, अगर कुछ मिस हुआ लगे आपको कि भाई कुछ मिस हुआ आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो अब तक लाइक नहीं करी भाई अब तो लाइक कर ही दो, और बाकी ये जो 3 वीडियोज आपको नजर आया ना इनमें से किसी एक को जरूर देखना, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।